फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं डांडिया नाइट के लिए काफी दिनों से प्रिपरेशन कर रही थी, तो चलिए आज सबसे पहले मैं आपको अपना डांडिया लुक दिखाती हूँ, क्योंकि आज मैं डांडिया नाइट के लिए रेडी हो गई हूँ। मैं उसमें एक डांडिया जो डांस है उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तो ये है मेरा लुक। तो सबसे पहले मैं आपको लुक दिखा दूँ, फिर मैं अपने साथ आपको डांडिया नाइट में भी ले चलूंगी। ये रहा मेरा डांडिया लुक तैयार। ये है मेरी चूड़ी जिसे मुंजरी कहते हैं, ब्लैक कलर की, मेरी ड्रेस से मैच करती हुई, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस के साथ मैच हो रहा है। और ये रहा मेरा घाघरा ब्लैक कलर का, जिससे मैंने ये सारे डिजाइन खुद करवाए हैं, पैचेस लगाए हैं डांडिया का, क्योंकि डांडिया नाइट में जा रही हूँ तो बिल्कुल थीम से मैच करता हुआ मेरा ड्रेस है। ये फ्रंट में आगे तीन डांडिया और बैक साइड में भी, अगर आप देख पा रहे हो तो थ्री डांडिया बैक साइड में भी ऐसे। और ये रहा मेरा दुपट्टा, दुपट्टे पे भी मैंने ऐसे डिजाइन करवाया डांडिया एंड पैचेस। ये रहा और ये बॉर्डर लगवाया है। और ये रही मेरी जैकेट, जैकेट पे भी आपको दिखेगा डांडिया, तो बिल्कुल मैं डांडिया के रंग में रंग चुकी हूँ। और अब आते हैं ज्वेलरी पे, एंड ये मैंने पहनी है ज्वेलरी। ये दो नेकलेस को मैंने एक साथ पहन रखा है थोड़ा सा हैवी लुक देने के लिए। और ये है मेरे बैंगल्स, पिंक कलर का ये मैंने पहन रखा है कौड़ी शेल का। और ये इस तरीके का ये मेरा कड़ा है, बहुत ही खूबसूरत ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है। और ये रिंग है जो मेरे माथा पट्टी से मधुमांग टीका उससे मैच हो रही है। ऑक्सीडाइज बैंगल्स हैं वाली रिंग पहन रखी है मैचिंग ये ज्वेलरी से, ये रिंग है। और इसके साथ मैंने ये बहुत लोग थोड़ा सा देने के लिए ये कौड़ी शेल का ये बैंगल डाल रखा है पिंक कलर का। ये मेरा लुक है। और बालों में मैंने दो रोजेस लगा रखे हैं, आप देख सकते हो। और हाई बन बना लिया है क्योंकि गर्मी आज बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको मेरे चेहरे पे भी थोड़ी थकान दिख रही होगी। तो ये है मेरा लुक। फ्रेंड्स, आज जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो मेरा ये बैग है, जिसको मैंने इसका डिटेल जो वीडियो है वो आपको मेरे ब्लॉग मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा, तो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो ये मैंने जो बैग बनाया था आज ही के दिन के लिए बनाया था, आज डांडिया नाइट के लिए। तो ये देख सकते हैं आप, इससे मैंने ये स्ट्रैप तो लगाया ही है, खूबसूरत सा मैच करता हुआ मेरे ड्रेस के साथ। इसमें मल्टी कलर ये भी है पॉम-पॉम मिरर वर्क, और इसके साथ मैंने ये गोल्डन स्ट्रैप भी लगाया है, सो दैट अगर मुझे हाथ में अगर ऐसे लेना हो तो मैं इसको ऐसे भी कैरी कर सकती हूँ। ये देखिए गोल्डन चेन मैंने इसी छोटे वाले रिंग में लगा दी है जो आपको दिखाई थी, तो इसको मैं ऐसे भी कैरी कर सकती हूँ। और ये मेरा स्ट्रैप ऐसे दिखेगा, ठीक है। इसको मैं जीन्स वगैरह के साथ, कुर्ती के साथ कैरी कर सकती हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो इसको रिमूव भी कर सकती हूँ, सिंगल ये वाला भी चलेगा किसी ऐसी साड़ी या लहंगे के साथ। मेरा बैग है, तो इसके साथ मैं आज डांडिया नाइट में पार्टिसिपेट करी, ये मेरे साथ चलेगा। तो मैंने इसकी तैयारी काफ़ी दिनों से कर रखी थी, इसको अपने हाथों से बनाया मैंने आज ही के दिन के लिए। और इसके साथ ये रहा मेरा डांडिया, एक पॉम-पॉम लगाया है कलरफुल खुद अपने हाथों से बना के इसको अलग लुक देने के लिए। इसके साथ हम करेंगे डांडिया, ये आप लोग भी मेरे साथ चलिए और इंजॉय करिए डांडिया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो डांडिया नाइट शुरू हो चुकी है, और हमारे फंक्शन का इनॉग्रेशन किया महिला प्रदेश अध्यक्ष बबीता चौहान जी ने, और वो हमारे चीफ गेस्ट भी थी हमारे प्रोग्राम की फंक्शन की। जी ने मुझे ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए मेरे ड्रेस के लिए, परफॉर्मेंस के लिए। तो चलिए आप इंजॉय करिए मेरा परफॉर्मेंस।
आपको मेरा वीडियोस और व्लॉग देख के समझ में आ गया होगा कि मैंने डांडिया नाइट बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया, बहुत सारा डांस किया मैंने, जम के डांस किया। और मेरे परफॉर्मेंस के लिए और मेरे ड्रेस के लिए मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। स्पेशली आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था मेरा बैग, जो कि मैंने खुद DIY किया था। इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेगा, सो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, सो दैट आपको इसके बाद ही मैं डालने वाली हूँ मेरे बैग का DIY जो मैंने किया है, वो आने वाला है, तो आप मेरे चैनल पे बने रहें। फ्रेंड्स, इतने सारे परफॉर्मेंस देने के बाद मुझे लग गई बहुत जोरों की भूख, तो सबसे पहले मैंने खाया टिक्की चाट, बहुत ही टेस्टी था। और उसके बाद मैंने खाया दही भल्ला, दही भल्ला भी बहुत अच्छा था। और देन मैंने एक चिला भी लिया, और गर्मी जो कि बहुत ज़्यादा थी, तो उसके बाद मैंने खा लिया केसर कुल्फ़ी, वो भी बहुत अच्छा था। तो स्नैक्स बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी था, और चिला भी बहुत अच्छा था। तो उसको खाने के बाद मुझे मज़ा आ गया, और मैंने स्नैक्स से ही मेरा पेट भर गया, फिर मैंने खाना नहीं, डिनर नहीं किया, और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, एंड प्लीज़ अगर मेरा व्लॉग, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। सो तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट अब आने वाला है मेरा DIY वीडियोज़, तो वो भी आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड बहुत सारे मैं वीडियोज़ डालने वाली हूँ DIY के, तो आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा।